इस बुलेटिन के पेश करता है। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है, मॉडर्न और इस्लामिक एजुकेशन, लड़कियों के लिए दो नए अलहिदा ब्रांचेस का मुगलपुरा और खिलवट पर आगाज। अब हैवी बैग्स उठाने की जरूरत नहीं, हर स्टूडेंट्स के लिए अलहिदा लॉकर फैसिलिटी। हिफ्ज़े कुरान का आगाज, आपकी करीबी ब्रांच मुगलपुरा, खिलवट या चादर घाट पर राब्ता करें। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली चौमहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। बहुत ही खुशी की बात है कि आवाम के लिए सभी इबादतगाहों को आज से मुल्क भर में खोल दिया गया है और तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ आज लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होते हुए नमाज़ें भी अदा की। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना से बचने के लिए हमें अब भी एहतियात करना ज़रूरी है। नमाज के लिए जाते वक्त घर से ही वज़ू करके जाएँ और जाए नमाज भी साथ ले जाएँ और मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। आज एक और अच्छी खबर ये भी है कि तेलंगाना में बग़ैर इम्तिहान के ही SSC के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। आइए फ़िलहाल शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में SSC के तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट, वज़ीर आला KCR का तारीखी फैसला। कोरोना से डॉक्टर्स के मुतासिर होने पर गवर्नर तेलंगाना का इजहार तशवीश, डॉक्टर्स और अवाम से एहतियात बरतने की अपील। आज से मुल्क भर में खोल दी गई सभी मजहबी इबादतगाहें, एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम को मिली इबादतगाह में इबादत की इजाजत। मजलिस की जानिब से इबादतगाहों के लिए टच फ्री सैनिटाइजर्स की तकसीम, असदुद्दीन ओवैसी ने इबादतगाहों के जिम्मेदारान को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। भारत चीन सरहदी तनाजे पर असदुद्दीन ओवैसी का मरकजी हुकूमत से सवाल, कहा चुप क्यों है मोदी सरकार, मुल्क को बताएं क्या हुई बात। इलेक्ट्रिसिटी बिलों में नहीं किया गया 1 रुपए का भी इजाफा, तेलंगाना के पावर मिनिस्टर जगदीश रेड्डी का दावा, कहा बरखी इस्तेमाल के हिसाब से ही जारी किए गए बिल। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात को मनसूख करते हुए तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला किया गया है, देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात के मुतालिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सनसनीखेज फैसला लिया है। कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात को देखते हुए वज़ीर आला KCR ने इस साल SSC के इम्तहानात रद्द करने का फैसला करते हुए सभी स्टूडेंट्स को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला लिया है। वज़ीर आला KCR ने आज पीर को एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद करते हुए दीगर रियासतों में 10वीं जमात के इम्तहानात के मुतालिक लिए गए फैसलों का जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया। बताया गया है कि इंटरनल असाइनमेंट्स में हासिल करदा मार्क्स और ग्रेड की बुनियाद पर 10वीं जमात के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। इस मीटिंग में वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, एजुकेशन सेक्रेटरी सी रामचंद्रन के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। वाजह हो कि इस साल 534,903 स्टूडेंट्स SSC का इम्तिहान तहरीर कर रहे थे। 3 एग्जाम्स मुनक्किद करने के बाद लॉकडाउन की वजह से एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए थे और तब से लेकर एग्जाम्स मुनक्किद करने के सिलसिले में तजस्सुस पाया जा रहा था, जिसे वज़ीर आला KCR ने आज फैसला सुनाते हुए खत्म कर दिया। वज़ीर आला KCR के इस फैसले की हर गोशे से सताइश की जा रही है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरा राजन ने आज शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानि NIMS का मुआयना किया। उन्होंने डॉक्टर से मुलाकात की और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात और मुतासरीन के इलाज की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर ने इस मौके पर वायरस की रोकथाम के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में पेश रहने वाले तिब्बी अहलकारों और दीगर का इस
मर्ज में मुब्तिला होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुल्क की आवाम से और डॉक्टर्स से भी एहतियात बरतने की अपील की। मरकजी और रियासती हुकूमतों की हिदायत के बाद आज से मुल्क भर में मजहबी इबादतगाहों को खोल दिया गया है। शहर हैदराबाद में भी सभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों को एहतियाती तदाबीर के साथ आवाम के लिए खोल दिया गया। मंदिर मस्जिद में सैनिटाइजेशन के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। जहां दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के सभी मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल दिया गया है, वहीं बास मस्जिद को महदूद मुसल्लियों की इजाज़त के साथ अभी भी खोला गया है। लेकिन बास लोगों को उस वक्त मायूसी हुई जब वो लोग शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में आज नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आम्मा में नमाजियों की कसी तदाद की मुतवक्को शिरकत के मद्देनज़र कोरोना के फैलाव के बढ़ते खदशात को देखते हुए आम लोगों को नमाज की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि लॉकडाउन में जिस तरह महदूद मुसल्लियों की मौजूदगी में नमाज अदा की जा रही थी वो अब भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम। दो महीने के बाद यहाँ आए नमाज के वास्ते। हमारे बस्ती में बाजाम नमाज अच्छी है, फजर की नमाज हो गई, यहाँ नमाज नहीं हो रही। यहाँ अभी भी ऐलान कर रहे हैं कि पूरे मस्जिद आबाद हो जाते हैं, यहाँ की मस्जिद अभी आबाद नहीं कर रहे, नहीं खोल रहे गेट। मस्जिद आबाद हो तो पूरे दुआओं से पूरे बीमारियाँ चल जाते हैं। मस्जिद मंदिर चालू रहना बहुत जरूरी है, ये असल चीज़ है। तेलंगाना वाले ऐलान कर दिएगा यहाँ से सब मस्जिद खोल देंगे, बल्कि बोले सब लोग आए जमा हुए हैं, अभी तक मस्जिद के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, मस्जिद को लॉकडाउन करके रखे हुए हैं। अच्छी बात नहीं है, मस्जिद हम पूरे आबाद कर दिए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ये बीमारी को हमसे जल्द से जल्द हटा दे। जोर पढ़ने के वास्ते आए, अभी तक मस्जिद नहीं खुली, बोल रहे हैं नहीं नहीं अभी चालू नहीं करते, बोल के बोल रहे हैं ना, क्या बहुत जुलम है ये तेलंगाना वापस वालों का। जर मेहरबानी करके जल्द से जल्द ये मस्जिद खुला दीजिए। हमारी गुजारिश है आपसे, हर चीज़ दुआ से होती है, दुआ से सामने कोई चीज़ नहीं है। दुआ करें आए थे, अल्लाह में हमारी दुआ कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़ी बड़ी मेहरबानी होंगी आप लोगों की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली में वाक़े दफ्तर दारुस्सलाम में मजलिस चैरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानब से आज मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चों के लिए टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स फराहम किए गए। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मजलिस चैरिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानब से आज मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चों के लिए टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स फराहम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम में आज एक इजलास मुनक्किद करते हुए सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों 220 छोटे और 28 बड़े टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चों के इंतजामिया को फराहम किए गए, जिसकी जुमला लागत तकरीबन 20 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली के अलावा हैदराबाद और उसके अतराफ के इलाकों में मौजूद सभी मजहबी इबादतगाहों के इंतजामी कमेटी के अरकान मौजूद थे। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसील बताई और मजहबी मकामात के इंतजामिया कमेटियों से भी साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की अपील की। तो ये कम इंशाल्लाह कम से कम एक महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मस्जिद जो मस्जिद कमेटी और मंदिर और चर्च गुरुद्वारा के लोगों को ये कमेटी इसको दिया जा रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको रिफिल भी कराइए। अब तो हम जो दे रहे हैं एक महीना चलेगा इंशाल्लाह आपको, मगर इसको म्यूजियम में रखने का नहीं है, इस्तेमाल करना है और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास, मगर इसको इस्तेमाल करिए और ताकि हम अपनी इबादतगाहों को साफ सुथरा और पाक रख सकें, वहां पर आने वालों को उनकी जान की और इस वायरस से उनकी हिफाजत हो सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। इस मौके पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे और चर्चों के इंतजामी कमेटी के अरकान ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के इस कदम की सताइश की। खालसा वाहगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे हम दारुस्सलाम में एमआईएम हेडक्वार्टर से मौजूद है। आज हमारे एमपी साहब ने जितने भी उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हैदराबाद शहर में जीएचएमसी लिमिट्स में सभी धर्मों के इदारों को बुला के
सैनिटाइजर्स मशीन्स एंड उसका सैनिटाइजिंग किट पूरा दिया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है असदुद्दीन साहब की। इन्होंने ये कोरोना वायरस को लड़ने के लिए आज से जो हमारे धर्म स्थल सब धर्म स्थल खोल रहे हैं आज से, वहाँ पे स्वच्छता और सैनिटाइजिंग करने के लिए जो इन्होंने किट दे के ये जो उनकी सोच है बहुत खुशी लगी, बहुत खुशी की बात है। क्या जबकि सहले जो अच्छा बुरा बहुत खुशी की बात है। उनको शुक्रिया अदा, शुक्रिया बोल रहे सर और हमारे चर्च के लोग पूरे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। चार फोन तो किट्स भी इतना चार फोन तो मेथोडिस्ट चर्च बिडी मलका पूरे हमारा सब लोग आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज फिर से पूरे मुल्क में मजहबी मकामात खोल दिए गए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाने वाले नमाजियों से कुछ बातों का ख्याल रखने की अपील की कि मस्जिद में 65 साल के बुजुर्ग हजरात मस्जिद को ना जाए, वो हरगिज ना जाए। अगर हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नहीं मुझे जाना है तो आप हिमाकत कर रहे हैं, आपकी हिमाकत की वजह से अगर आपको आप बीमार पड़ जाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तकलीफ होगी। जो हजरात बीमार हैं, जिनको बुखार है, मामूली सा बुखार भी होगा या मामूली सी खांसी भी होगी तो प्लीज मत जाइए मस्जिद को। तीसरी बात यह है कि मस्जिद को बच्चों को लेके मत जाइए, हिमाकत मत करिए। हमको बड़ा शौक है कि मस्जिद को बच्चे को लेकर गए तो समझते हैं कि वाह वाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे, नहीं है। बहसियत वालिद आपकी जिम्मेदारी इस वक्त में यह है कि आप अपनी बच्चों को जो 10 साल या 12 साल के उनको घर में नमाज पढ़े साथ पढ़ाए। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद को जाएंगे तो मास्क लगा कर जाइए। जामे निजामिया के उलमाओं ने और मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब ने यह फतवा दिया है कि क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, दीन इस्लाम आपको ऐसे वक्त में इस बात की इजाजत देता है कि आप मास्क लगाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पोल अब खुल गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना के वायरस को कंट्रोल करने में मरकजी हुकूमत नाकाम हो गई है। दिस द दिल्ली चीफ मिनिस्टर फ्रॉम डे वन हैव बीन सेइंग आई डोंट नो व्हाई दिस सो कॉल्ड लिबरल पीपल हैड सो मच होप ऑन हिम बट एनीवे ही हैज बीन बैडली एक्सपोज्ड नाउ And now people are seeing what he really stands for. And as far as what needs to be done, many things can be done, but unfortunately the government is not interested in doing things. They are only interested in managing headlines. They are only interested in creating issues of religious animosity. They don't want to talk about real issues. And they don't do it fine, but the reality will hit them very badly. The way cases are, COVID cases are increasing in India is a huge cause of concern. जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है इस पर मोदी गवर्नमेंट का कोई फिक्र ही नहीं है उनको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब लॉकडाउन उठा दिया, बोल दिए कि भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की, अब आप जाने, आपके मुकद्दर जाने, आपका खुदा जाने, ये हुकूमत का पैगाम है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।